आयुर्वेद समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नए वीडियोस आप समय पर देख सकें। दोस्तों, खजूर कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसे खाने से शरीर में तुरंत एनर्जी आती है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि खजूर सूखे यानी छुहारा खाया जाए या गीले खजूर खाए जाए। तो आइए हम आपको बताते हैं आज के वीडियो में खजूर खाने का सही तरीका। दोस्तों, दिखने में छोटे खजूर में विटामिन और मिनरल्स के साथ साथ काफी मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है। इसके अलावा खजूर फाइबर के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक माना जाता है। खजूर में विटामिन B1, B2, B3, B5 और A1 और विटामिन C पाया जाता है। ये पोटेशियम से भरपूर लेकिन सोडियम से मुक्त होते हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर के मरीजों और दिल की बीमारियों के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि गीला खजूर खाएं या सूखा। दरअसल सूखे खजूर को छुहारा कहते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भ्रम में रहते हैं कि उन्हें सूखा खजूर खाना चाहिए या गीला खजूर। तो हम आपको बता दें कि सूखे खजूर में फ्रेश खजूर या कहें गीले खजूर की तुलना में ज्यादा पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। मगर यदि आप अपना वजन नहीं बढ़ने देना चाहते हैं तो गीले खजूर का सेवन करें। इसका कारण ये है कि सूखे खजूर में फ्रेश या भीगे खजूर की तुलना में ज्यादा कैलोरी होती है। दोस्तों, हम बता दें आपको कि 14 अगर गीले खजूर आप खाते हैं तो 282 कैलोरी आपको मिलेंगी, जबकि आप 4 सूखे खजूर यानी 4 आप छुहारे खाएंगे तो आपको 277 कैलोरीज मिल जाएंगी, जितना आपको गीले 14 खजूर खाकर मिलती है। लगभग उतना ही आप 4 खजूर में प्राप्त कर लेंगे। खजूर एक ऐसा आहार है जिसे बहुत पुराने समय से इंसान अपने खान पान में इस्तेमाल कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इंसान लगभग 4000 साल पहले से खजूर का सेवन करता रहा है। अरब देशों में शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए और सेक्सुअल शक्ति को बढ़ाने के लिए खजूर का खूब सेवन किया जाता है। भीगे खजूर सूखे खजूर के मुकाबले ज्यादा नर्म होते हैं, जबकि सूखे खजूर ऐसे नहीं होते। इनमें कम मॉइस्चराइजर होता है, लेकिन सूखे खजूर अगर एयर टाइट डिब्बे में रख दिए जाएं तो इसे 8 महीने तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, और अगर फ्रीजर में रख दिया जाए तो यही सूखे खजूर 1 साल तक सुरक्षित रह सकते हैं। सूखे खजूर को सूखा रखने के लिए डिहाइड्रेट किया जाता है। आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में अपने घर पर स्वादिष्ट खजूर शेक बनाकर इनका फायदा ले सकते हैं। खजूर शेक बनाने के लिए आपको 1 गिलास दूध और 5-6 खजूर के साथ 3-4 काजू और बादाम लेने हैं। खजूर का बीज निकालकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। इसके बाद सभी सामग्री के साथ साथ 1 चम्मच शुगर डालकर मिक्सर में अच्छी तरह मिला लीजिए। खजूर शेक तैयार है। इस शेक को नाश्ते के समय सुबह लेने से शरीर को बहुत सारे लाभ मिलेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि खजूर खाने से आपके शरीर को कौन कौन से लाभ मिलते हैं। खजूर खाने का सबसे बड़ा लाभ हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को मिल सकता है। ठंड के मौसम में हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को चाहिए कि वो रोजाना नाश्ते में कम से कम 3 खजूर जरूर खाएं। खजूर में अच्छी मात्रा में आयरन होता है। जो लोग अधिक थकान या कमजोरी महसूस करते हैं उनमें आयरन की कमी होती है। खजूर में मौजूद आयरन उसे कुछ ही दिनों में पूरा कर देता है। खजूर का सेवन पाचन शक्ति को बढ़ाता है। पेट संबंधी कैसी भी दिक्कत हो उसमें खजूर का सेवन रामबाण साबित होता है। ये पाचन शक्ति को सही कर भूख को बढ़ाता है। खजूर बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, जिससे हृदय आघात जैसा खतरा कम हो जाता है। कम सोडियम और ढेर सारे मिनरल होने से खजूर हमारी हड्डियों के लिए अच्छा माना जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।